ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਔਨ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਦਲਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸੇ ਏਕ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, क्या रीज़न है कि वहाँ पे जो है ना रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो मैंने जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे नज़र आया कि उसके पीछे रीज़न कुछ हम लोग हैं, कुछ उन लोगों का एक मतलब एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन जो मेन रीज़न हमारे मेरे सामने आया वो ये है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में या हम कहीं अपने तरफ से कुछ कमी छोड़ रहे हैं, जिस कारण से ये रिपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो तीन चार रीज़न है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि वो रीज़न के कारण आप कभी भी डिपोर्ट होने की स्थिति में ना रहें, वह ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि आपको डिपोर्ट करना पड़े। तो सबसे पहले जो है ना आपको पहला जो रीज़न है वो है इनडायरेक्ट रूट से। आपको जो भी इनडायरेक्ट रूट आपने चुना है उस रूट से जब आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सपोज कीजिए आपको मॉन्ट्रियल जाना था, आप टोरंटो उतर गए, आपको वैंकूवर जाना था, आप टोरंटो उतर गए, या आपको टोरंटो जाना था, वैंकूवर उतर गए, तो ये इमिग्रेशन रीज़न के पास बहुत बड़ा रीज़न है कि आप यहाँ पर क्यों उतरे हैं। आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि यहाँ पे उतरने का आपका मेन जो मकसद था वो क्या है। तो ये रीज़न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमिग्रेशन के पास कोई एक एक्सक्यूज ना हो कि आपको वो ये सवाल कर सके कि आपका डेस्टिनेशन जो लास्ट डेस्टिनेशन कुछ और था, आपका कॉलेज इस सिटी में था, आप यहाँ पर उतरे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वो जब आपसे सवाल करें तो कुछ बच्चों से ये सवालों का जवाब नहीं दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैं देख रहा हूँ कि जब हम लोग टिकट बुक करते हैं तो हमें टोरंटो तक की टिकट मिलती है और मॉन्ट्रियल कुछ एक जगह पर हम लोगों को मॉन्ट्रियल या वैंकूवर देखा है कि वहाँ पे टिकट कम अवेलेबल हो पाती है, या हमारे पास पैकेज ही कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण हम लोग जो है ना रिस्क ना लेकर हम लोग मान लीजिए हम लोग मैक्सिको तक एक ग्रुप के साथ गए और वहाँ से आपको वैंकूवर जाना था और दूसरे लड़के को या दूसरे ग्रुप को टोरंटो जाना था, तो आप ये करते हैं कि चलो मैं टोरंटो से या तो फ्लाइट कर लूँगा तो या जो है मैं वहाँ से टैक्सी पे चले जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, जो आपका लास्ट डेस्टिनेशन है उसी को आप जो है ना टिकट में कन्फर्मेशन के रूप में देखिए। दूसरा है रीज़न ऑफ ट्रैवल। आपकी यूनिवर्सिटी ने जो टाइम दिया है ट्रैवल करने का उसी टाइम के दौरान आप ट्रैवल कीजिए। अगर आपने जो ट्रैवल किया है दो तीन महीने पहले, सपोज करो कि आपका वीजा आ चुका है और आप जल्दी से जल्दी कनाडा जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास रीजन नहीं है, अभी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ नहीं किया है कि हाँ जी मैं आप तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जब तक आपको ये नहीं कहती, जिसे हम ट्रैवल लेटर भी कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ट्रैवल लेटर नहीं दे रही हैं और इस कारण से स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है, आपके पास ट्रैवल रीज़न होना चाहिए। आप रूल के मुताबिक, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक आप 21 दिन पहले यानी कि अपनी क्लास शुरू होने के 21 दिन पहले जा सकते हैं, वो भी आपको एक बार कंफर्म करना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। तो ट्रैवल रीज़न एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से आप लोगों को डिपोर्ट होने की स्थिति में आ सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन रीज़न है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो मैंने जसलीन का वीडियो अपलोड किया था, लवप्रीत का वीडियो अपलोड किया था, तो लवप्रीत का वीडियो तो ऐसा वीडियो था जब उन्होंने कह दिया था कि आप 2 घंटे के अंदर आपकी फ्लाइट है इंडिया के लिए, आप वापस चले जाइए, क्योंकि उसका चेहरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो उसने डॉक्यूमेंट्स में जो फोटोज़ यूज़ किए थे उससे उसका चेहरा डिफरेंट नज़र आ रहा था। तो इमिग्रेशन जो वहाँ पे अथॉरिटी थी उसमें से कुछ लोग थे जो ऑफिशियल्स थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, बड़ी जल्दी बोल दिया गया कि आप वापस जा रहे हैं इंडिया, तो आप वहाँ जाके बैठ जाइए, तो वो थोड़ी वहाँ पर परेशान होकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लकीली उसके पास एक ऑफिशियल आए और उन्होंने उसे जाने दिया,
थोड़े से सवाल जवाब किए, उसकी GIC का अकाउंट खुलवा के देखा, उसका पोर्टल खुलवा के देखा, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे बड़ी बारीकी से जांच की गई। हाँ, एक मेन रीजन उससे जरूर पूछा गया कि आपके पास इस समय फाइनेंस कितना है। सपोज कीजिए आपके पास GIC भी है, आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यानी कि अगर ऐसे हालात हुए तो आपका स्पॉन्सर जो है, आपकी GIC तो आपके लिविंग के काम आएगी, लेकिन अगर आपको फीस भरनी पड़ी, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट मंथ आपकी फीस है, फीस कौन भरेगा। तो उन्होंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया, बाई चांस उसके अकाउंट में 1-1.25 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो उस कारण से उसे जाने दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। फाइनेंस वाला जो इस समय इम्पोर्टेंट काम इसलिए हो गया है क्योंकि कैनेडा गवर्नमेंट को भी पता है कि GIC केवल और केवल आपके खर्चे के लिए रखी गई है, और GIC से केवल आप वहां पर सर्वाइव करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीस देनी पड़ी, अगर आपके पास फीस के पैसे आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या आपके अकाउंट में, और वहां पे भी एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि आपके पर्सनल अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, 2-3 लाख हो, और किस इन एनी केस जब आपके पास आपके अकाउंट में अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट को दिखा सकते हैं। लेकिन मेन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि वो आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे होते हैं तो आपके लिए एक रीजन बन सकता है वहां से निकलने का। और इसके अलावा कोई और भी, जब भी आपके सामने इमिग्रेशन ऑफिस हो, किसी ऐसे ही प्रकार इस तरीके की गलती ना कीजिए जिससे उन्हें शक हो कि ये बच्चा डर रहा है या इसके अंदर जो है ना कोई ऐसा सिम्टम्स नजर आ रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, अब बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है आपने, क्योंकि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हो। लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, अपने अकाउंट जो है ना, खुद ना ऑपरेट करके किसी से ऑपरेट करवा रखे हैं, जिसके कारण से उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी थोड़ी हमारी गलतियों से हो रही हैं, और इन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। और ये गलतियां वाकई में बहुत बड़ी गलती तब हो जाती है जब हमें वहां से डिपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके काम आएगा और आप इस पर अमल करेंगे, और आप इस पर चलकर आप जाने से पहले अपनी तैयारी करेंगे। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास आपके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज मैं रोज ले रहा हूँ, हालांकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि बैटरी इसकी एकदम से डाउन हो जाती है। अगर आप कॉस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि हमारा बजट इतना है, हमारी कॉस्टिंग प्लीज़ मैनेज कीजिए, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि ये अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सबको फ्री भेज देता। और हम लोग जो भी रेट आपको करके दे रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि आप मार्केट में रेट जो पता कीजिए उस रेट में, और मेरे रेट जो है ना सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, और मैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए फाइट करता हूँ एयर इंडिया से, एयर कनाडा से, उनके जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो हैंडल जो एयरलाइन के जो हेल्पलाइंस हैं वहाँ से मैं क्रिएट करवाता हूँ आपकी सीट। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वो 2-4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार आपके बच जाएं। तो अगर वो मतलब इस स्थिति में मैं पहुंच जाता हूं कि यार कि मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, कल भी मेरे पास एक फ्रेंड है, मतलब इस YouTube के ज़रिए ही फ्रेंड बन गए, फैमिली जैसा माहौल बन गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा बजट 2 लाख है, तो मेरे को केवल 2 लाख में भेजो। सर, मैं चाह रहा हूं कि आप 1 लाख में जाएं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो वो केवल और केवल जो है ना जो फ्लाइट हैं, एयरलाइंस हैं, उन लोगों की जो बिजनेस जो एक मेंटेलिटी है उसके कारण हुई है, और दिन ब दिन जो रेट बढ़ रहे हैं वो इसी कारण से बढ़ रहे हैं। अगर आप अपना ट्रैवल टाल सकते हैं तो टालिए, अगर जाना ज़रूरी है तो जो रेट्स इस समय अवेलेबल हैं रूट सही चुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैक्सिको रूट बहुत बढ़िया है, और अगर आपने किसी चार्टर प्लेन से भी जाना तो उसकी कंडीशंस एक बार क्लियर कर लीजिए, और दोनों ऑप्शन फ्री वीज़ा एडवाइज़र के पास अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करके आपको यहाँ से
भेजेंगे और आप बड़े अच्छे तरीके से वहां पर पहुंच जाएंगे। और अभी जो मालदीव वाला है, एक चार्टर प्लेन है, 16 अगस्त को उड़ रहा है, तो उसके अंदर आप 48 घंटे के अंदर आप कैनेडा में होंगे। अगर हालात एकदम से ड्रास्टिक भी हो जाए, कहीं से भी लॉकडाउन भी लग जाए, तो तब भी आपके पास 48 घंटे बहुत कम समय है पहुंचने के लिए, और आप पहुंच भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा इस समय ऑप्शन है, आप जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और परमात्मा करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। और जो लोग आज जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने कुछ सब्सक्राइबर जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि वो सही सलामत आज पहुंचे। इसके अलावा मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा एक नया टॉपिक लेकर। और हाँ, जो भी आपको जिस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो नीचे लिंक दिए गए हैं उसमें फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। इंस्टा पर भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी खबरें इससे रिलेटेड हम लोग पोस्ट करते हैं, तो जितना कुछ भी हमसे हो पाता है हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग करते हैं, तो आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग हमेशा ही रेडी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।